गाइस कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैरी क्रिसमस पे फोटो एडिटिंग, जो कि मैंने कल सुबह ही मतलब स्टोरी लगाया था और उसमें लिखा था कि आप लोग को किस टाइप का मतलब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो उस पर मतलब कमेंट आए थे कि मैरी क्रिसमस पर चाहिए। और देखो मतलब सबसे ज़्यादा झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब हैप्पी न्यू ईयर पर आया था, लेकिन यार पहले मैरी क्रिसमस है, ठीक है, तो पहले इसका फोटो एडिटिंग ज़रूरी था क्योंकि इसका टाइम निकल जाता तो कोई फ़ायदा नहीं जाता। तो आप लोग को मतलब पहले इसका ज़रूरी है, फर्स्ट जनवरी का तो मैं मतलब वीडियो लाऊंगा ही, पहले इसका देख लो और इसका मतलब फ़ोटो एडिटिंग पहले कर लो, उसके बाद से उसका भी ला देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले फ़ोटो को मतलब बैकग्राउंड को हमें पिक्सार में सेंड कर लेना होगा, और पिक्सार में ज़्यादातर इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि इसमें मतलब हर एक टाइप का PNG आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब जो भी आप सर्च करेंगे और उसमें का मतलब उसके रिलेटेड एक ना एक चीज़ ज़रूर आएगा, ठीक है, इसीलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। देखिए सबसे पहले फ़ोटो को क्या करना है, सबसे पहले टूल्स वाला ऑप्शन लेना है और फोटो को रिसाइज कर लेना है, जो कि पिक्सार्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटी कम हो जाता है। तो देख लीजिए 3098 रख लेना आप लोगों को और यहाँ से फ़ोटो को रिसाइज कर देना है, ठीक है। इतना रिसाइज करने के बाद अब फोटो आप लोग का जितना क्वालिटी रहेगा उतना ही क्वालिटी में रहेगा, ठीक है, और उतना क्वालिटी में सेव होगा। तो अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बैकग्राउंड बना दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं पहले आप लोगों को बैकग्राउंड बना के दे दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप लोग अपना फोटो एडिटिंग कर लेना, ठीक है। बैकग्राउंड मेरा बस लगा लेना, मैरी क्रिसमस वाला मैं सब लगा के आप लोग को दे दूँगा, आप लोग बस डाउनलोड करके अपना फ़ोटो बैठा लेना जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो अपने नेट को आप लोग ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद से देखिए ये वाला एक PNG मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब जो 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 मैं PNG ऐड कर रहा हूँ वालों उसका मतलब डायरेक्ट आप लोग को ये मैं वीडियो बना के मतलब क्या बोलते हैं उसे बैकग्राउंड बना के दे दूँगा, आप लोग सिंपली उसे लगा लेना, ठीक है, उसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग एडिटिंग करेंगे तो आप लोग का ज़्यादा बेटर होगा। तो पहले इस वाले जो मैं PNG सेलेक्ट किया हूँ उसे डाउनलोड हो जाने दीजिए, उसके बाद से आप लोग को लगा के दिखाता हूँ। तो लीजिए ये PNG आ गया है, अब इसे ऐसे करके कुछ ऐसे लगा देना है, ठीक है। अब इसे लगाने के बाद एक और PNG ऐड करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है, ये वाला। तो देख लीजिए इसे कुछ इस टाइप से लगाना है, कुछ इतना बड़ा कर लेंगे और ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब इतना होने के बाद एक और PNG ऐड करते हैं और जो कि ये वाली मतलब ये वाली जो डॉल है इसे लगाएंगे। और इन सब PNG को बनाकर एक बहुत ही बढ़िया मतलब आप लोगों के लिए एक मैं बैकग्राउंड बना दूंगा, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस फोटो का एडिटिंग करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसे कुछ इतना कर लेते हैं। अब इतना होने के बाद और एक PNG ऐड करना है हमें, जो कि है क्रिसमस डे वाला। तो इसे कुछ ऐसे कर लेंगे, कुछ पीछे लगा लेंगे और एक आगे लगा लेंगे, ठीक है, जो कि मतलब देख लीजिए यहाँ पर मैं कर दूँगा ना तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी पड़ती है, इसे सेव कर लेता हूँ मैं पहले, ठीक है, और आप लोगों के लिए सेव करके रख ले रहा हूँ। देखिए डायरेक्ट यहाँ से सेव कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद से अपना फोटो में एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ कैसे कैसे आप लोगों को भी एडिटिंग करना है। यहाँ से इसे सेव कर लेता हूँ मैं पहले। अब देखिए मैं पहले यहाँ पे अपना फोटो सिलेक्ट करके लगा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं पहले अपना जो मेरा फोटो कटआउट करके पहले से रखा गया है वो मैं लगा लेता हूँ। और आप लोगों को मतलब अगर कटआउट पे वीडियो चाहिए तो आप लोग सिंपली कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए कटआउट पे वीडियो ला दूँगा, क्योंकि मैं पहले से ही अपलोड करके रखा हूँ कटआउट पे वीडियो, इसीलिए मैं मतलब आप लोगों को कटआउट करना नहीं बताता हूँ, ठीक है। अब इस बार मतलब आप लोगों के दो तीन मतलब ऐप आप लोगों को बता दूँगा कि किस किस ऐप से बहुत ही बढ़िया एडिटिंग होता है, मतलब कटआउट होता है, वो आप लोग को बता दूंगा। सिंपली वो आप लोग डाउनलोड करके अपना फोटो एडिटिंग कर लेना। तो देख लीजिए इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, एक और PNG मुझे ऐड करना है, जिसके बाद से मेरा फोटो एडिटिंग मतलब यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इस वाले को कुछ इतना बड़ा करके ऐसे लगा लेना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। देख लीजिए कुछ इस टाइप से लगा लेना है। अब देखिए हमारा फोटो कितना ही मस्त लग रहा है।
ठीक है, मैरी क्रिसमस भी हो गया, यहाँ से अपने फोटो को डन कर देना है। अगर आप लोगों को कुछ इस टाइप से, मतलब अगर एडिटिंग करना हुआ तो देख लीजिए इस टाइप से कुछ करना है। मैं आप लोगों को बैकग्राउंड दे दूंगा, आप लोग सिंपली उसे यूज कर लेना। तो देख लीजिए मेरा फोटो बन के मतलब तैयार हो गया है। लेकिन अगर आप लोगों को फेस स्मूथ या और किसी चीज़ पे भी वीडियो चाहिए तो आप लोग सिंपली कमेंट कीजिए। आप लोग जिस फोटो एडिटिंग पे कमेंट करेंगे मैं उस टाइप का वीडियो आप लोग के लिए ला दूंगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।